हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी क्राफ्ट। आज हम ये डिज़ाइन बनाएंगे जो कि बड़ी आसानी से बन जाता है। इसको हम जॉकेट, स्टॉल वगैरह में किसी में भी बना सकते हैं। इसमें मैंने दो कलर लिए हैं, आप चाहें तो जैसे मर्जी अपने हिसाब से कलर ले सकते हैं। एक लगाना चाहें आप, एक कलर लगा सकते हैं। इसमें हमने स्टार्टिंग सिंपल चेन से की है और सेकेंड लाइन से हमने अपना डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको बनाया है। इसमें हमने 5 डबल करोशिए, फिर 6 का एक फ्लावर बनाया है, फिर 5 डबल करोशिए। इस तरीके से बनाते हुए हमने ये पैटर्न बनाया है। और ये वाले जो हमारे हैं, ये जो हमने लिए हैं, ये हमने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनाते हुए बनाए हैं। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये सिंपल चेन के ऊपर डबल करोशिया बना लिया है। नेक्स्ट में 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और एक एक चेन में एक एक लेते हुए हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक हमारा ये डबल क्रोशिया हो गया, इसके अलावा 4 डबल क्रोशिया और बना लेंगे एक एक चेन में एक एक लेते हुए। 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारे 5 डबल क्रोशिया हो गए। आप दो चेन स्किप करेंगे, 1 2 2 चेन स्किप करने के बाद तीसरे वाले में हम 6 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, तीसरी वाली में हम 5 डबल क्रोशिया लेंगे एक एक चेन में। 1 2 3 4 5, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, तीसरी वाली में हम 5 डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी 6 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5 6, फिर 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2, तीसरी वाली में हम फिर से एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया लेते हुए 5 डबल क्रोशिया लेंगे। 1 2 3 4 5, ये हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट में यहाँ से हम कलर चेंज करेंगे। यहाँ से मैंने कलर चेंज किया है। आप 3 चेन लेंगे, 1 2 3, 3 चेन ले ली। और ये जो है हमारा, इसको हम जो हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड वाले में इसको हम फ्रंट पोस्ट से लेंगे। इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये आगे से इस तरीके से कुंदे को उठाते हुए इस तरीके से फ्रंट पोस्ट से इसको बनाएंगे। 2 3 4 भी हम ऐसे बना लेंगे और 5वां भी। ये इस तरीके से उठाते हुए बनाएंगे।
नेक्स्ट में जो हमने ये 6 डबल क्रोशिया लिए थे, इनमें 3 में यहाँ से 6 डबल क्रोशिया इसके ऊपर ही बनाएंगे, 2 3 4 5 फिर से इसको फ्रंट पोस्ट से ये इस तरीके से लूप को उठाते हुए बनाएंगे, जो हमने ये 5 डबल क्रोशिया बनाए थे इस तरीके से। पांच के पांच हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट में इसमें फिर हम वही 3 के सेंटर में 6 थे हमारे डबल क्रोशिया, 3 में सेंटर में लेके 6 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 3 4 5 6 और फिर इसी तरीके से ये वाले जो हमारे 5 डबल क्रोशिया है इसको भी फ्रंट पोस्ट से बनाते हुए इसको बनाएंगे इस तरीके से। ये बैक साइड से हमारा इस तरीके से आ जाएगा और फ्रंट साइड से ये डिज़ाइन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट लाइन में 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो हमने पहले फ्रंट पोस्ट किया था अब बैक पोस्ट से बनाएंगे ये इस तरीके से, यहाँ से इसको उठाते हुए ऐसे लिया और यहाँ से इस तरीके से बनाते हुए। इस तरीके से ऐसे ही हमने अपने 5 के 5 बना लिए। यहाँ सेम वही रहना है पैटर्न हमारा, 3 में से इसी के 6 के ऊपर 6 डबल क्रोशिया, 2 3 4 5 और फिर ये नेक्स्ट वाले भी हमारे इसी तरीके से इसको बैक पोस्ट से बनाते हुए बनाएंगे 5 के 5। इसी तरीके से इस वाली लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और इसको नेक्स्ट वाले को फिर से फ्रंट पोस्ट बनाते हुए इस तरीके से इसको बनाएंगे, 5 के 5 डबल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर हमारा रहेगा कि इसमें यहाँ हम 6 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2
तीन, चार, पांच, छः। ये ही हमारा पैटर्न बनता चला जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा डिज़ाइन बन करके रेडी हो गया है। आप इसको जैकेट में बना सकते हैं या स्वेटर वगैरह किसी में भी बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।